नमस्कार आदाब, मैं जावेद हुसैन और आप देख रहे हैं जेकेबी न्यूज़। पैनल डिस्कशन है डॉक्टरों के साथ। आज मैं डिस्कशन करूंगा कि जिस तरह से ये कोरोना वायरस जो पूरे मुल्क में फैली हुई है उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि इंसान को क्या करना चाहिए। वैसे लोगों को पता होता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन उस पर लोग अमल नहीं करते हैं। तो आज इसी को याद दिलाने के लिए आप लोगों को इस जो है ये पैनल डिस्कशन हो रही है। हमारे सामने तीन ऐसे खसूसी मेहमान हैं जो हमारे तीन डॉक्टर मौजूद हैं। तीन डॉक्टर हैं हमारे सामने। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये हमारे जो लेफ्ट साइड में हैं डॉक्टर सिद्धार्थ भौमिक, इनका मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। ये सिद्धार्थ भौमिक है और ये जो हैं आपको बता दूं कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं, ये मैं आपको बता दूं। हमारे दूसरे तरफ जो हैं राइट साइड में डॉक्टर एम आई शमसी, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चरर ऑफ डॉक्टर एचएच मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और हमारे तीसरे जो खसूसी मेहमान हैं ये हैं डॉक्टर सुजाता चटर्जी, तो ये मेडिकल ऑफिसर KMC। तो मैं सबसे पहले हमारे जो डॉक्टर हैं डॉक्टर सिद्धार्थ भौमिक, मैं उनसे मुखातिब होऊंगा। सबसे पहले जेकेबी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बताएं, देखिए अभी जो सिचुएशन हमारे यहाँ चल रही है कंट्री में, ज़रूरी ये है कि हम सावधानी बरतें। जैसा कि बार बार बताया जाता है मीडिया में, इनफैक्ट हर एक प्लेटफॉर्म पर यह बताया जाता है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना, अपने चेहरे को, अपने नाक को, मुँह को, कान को, आँख को अनवॉश्ड हैंड से टच नहीं करना, बेसिकली क्लीनलीनेस मेंटेन करना। ये अगर हम हैंड हाइजीन को मेंटेन करेंगे, अगर हम क्लोज स्पेसेस में ज़्यादा जमघट नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है इसे। आप ये बताएं, आप तो एक डेंटल सर्जन हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं कि जो ये सारी चीज़ें जो है मुँह से ही जाती है। WHO का लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि तो ये वायरस एयरबॉर्न हो सकता है, तो इनफैक्ट ये बात करने से भी फैल सकता है। तो इसीलिए ये रिकमेंडेशन है कि जब भी कोई क्लोज्ड एनवायरनमेंट में कोई रहे तो ज़रूर अपने मास्क का इस्तेमाल करें, जितना पॉसिबल हो उतना फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और ऑब्वियसली बात जो है हैंड हाइजीन की बात जो मैं बार बार कर रहा हूँ वो हैंड हाइजीन मेंटेन। वैसे कोई बेसिकली कोई ऐसा नुस्खा तो है नहीं कि आप अपने मुंह में डाल लें तो इस चीज़ से बचा जा सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। मास्क की भी बहुत सारी क्वालिटीज आती है, ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी मास्क उसको ज़्यादा प्रिवेंट करेंगे, लेकिन कुछ भी अगर हम बैरियर यूज़ कर रहे हैं ताकि वो एरोसोल्स हमारे मुंह से या हमारे नाक से बाहर ना आए, देन दैट वुड बी हेल्पफुल नॉट ओनली टू द पर्सन हु इज वेयरिंग इट बट टू द पर्सन हुम यू आर यू नो इंटरेक्टिंग विद। तो ये मास्क पहनना तो काफ़ी ज़रूरी है। 700 करोड़ वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, अगर हम उसके 30% को भी हम देना चाहते हैं वैक्सीन तो भी हमको कम से कम 200 करोड़ के आसपास डोजेस बनानी पड़ेगी, जो बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो वैक्सीन बन जाना और वैक्सीन पब्लिक में अवेलेबल होने में बहुत फर्क है। कब आता है देखिए, अब ये तो कोई बता नहीं सकता है। पहले सक्सेसफुल ट्रायल्स होंगे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद डोज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। और भी हमारे खसूसी मेहमान हैं, मैं बता दूं डॉक्टर एम आई शमसी साहब हैं, मैं इनसे बराह रास्त बात करूंगा। कि होम्योपैथिक में ऐसी दवाएं हैं जो उसको खाने से कोरोना वायरस नहीं होगा, इसके बारे में आप क्या? डॉक्टर साहब, ऐसा बोलना गलत है, ये बिल्कुल ही प्रिवेंटिव मेडिसिन है होम्योपैथिक की बहुत सारी, क्योंकि होम्योपैथिक की जितनी भी मेडिसिन है और वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती है। ये ठीक है, एपिडेमिक डिजीज़ के लिए कुछ खास मेडिसिन होती है जो एक ह्यूज पीपल के एरिया में अगर एक ही जैसा सिम्टम आता है तो वो मेडिसिन काम करती है, लेकिन एज ए वो प्रिवेंटिव 100% है, ये गलत है। ये है कि अगर एक ही तरह के सिम्टम बहुत सारे लोगों में आ रहे हैं तो एक मेडिसिन दी जाती है उसके लिए, बहुत प्रिकॉशन के लिए, और कुछ कुछ प्रिवेंशन करता है। मैं आपको बता दूँ, पिछले कई महीनों से ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक कुछ बातें पहुंचाना चाहता हूं जो पिछले कई दिनों से मेरे पास फ़ोन कॉल आते हैं, क्वेश्चनिंग होते हैं, क्वेरीज रहते हैं पेशेंट के, पब्लिक के, कि जैसे पिछले कुछ दिनों पहले ये आ रहे थे कि भाई ये बहुत ऐसी डिजीज़ ऐसा डिजीज़ है कि इस डिजीज़ से बहुत फेटल है, बहुत भयावह थे, डर रहे थे लोग, वो डर ख़त्म हो गया है। अब एक नया क्वेश्चन आ रहा है कि अभी बहुत जल्दी से ये स्प्रेड कर रहा है, लगभग हर 3-4 घर के बाद एक पेशेंट मिलना शुरू हुआ है। तो ऐसे स्थिति में मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि भाई ये सिम्टम है, कोरोना हो गया है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं उनको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसे बहुत सारे सिम्टम आते हैं और अगर इस सिम्टम से अगर उनको लगता है कि कोरोना है, जैसे फीवर आना, बुखार के साथ साथ अगर हेडेक है, स्नीजिंग हो रहा है, कफ एंड कोल्ड है, इस तरह के कुछ सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, तो ऐसे सिम्टम्स जैसे आने के साथ साथ मैं उनको इत्तला करना चाहता हूँ कि वो लोकल
जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या क्वारंटाइन सेंटर है या KMC के जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमारे बगल में डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करके और उनके रابطہ कायम करें और उसके लिए प्रॉपर जो सजेशन है वो लें। ये मास्क का जहाँ तक सवाल है, मास्क जब हम लोग सोते हैं क्या उस वक्त भी यूज़ करना चाहिए? ये गलत है, मास्क सोने से कोई ताल्लुक नहीं है। मास्क का मतलब ये होता है जहाँ अगर आप आउटसाइड जा रहे हैं या पीपल गैदरिंग है या कहीं आप ऐसे लोगों से मिलने जा रहे हैं जिससे आपके बात करनी है, वहाँ पे मास्क की ज़रूरत है। अगर आप अलोन हैं, अगर अकेले ही कहीं जा रहे हैं या अकेले गाड़ी में बैठ रहे हैं सफ़र कर, तो आपको मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चूँकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एयरबॉर्न भी हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वहीं पर ज़रूरत पड़ती है। मास्क जहाँ आपके दो चार लोग बैठे हुए गैदरिंग है वहाँ पर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा करना, चूँकि ये मास्क काफ़ी देर अगर ऐसे पहन के रहते हैं हम लोग तो ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाते। अल्टीमेटली ये होता है कि वो नेचुरली ब्रीदिंग डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। इसलिए मास्क का बहुत कम से कम यूज़ करें, ऐसे जगह यूज़ करें जहाँ उसकी ज़रूरत है, अननेसेसरी यूज़ ना करें। लोग अगर आमने सामने बैठे हैं तो कम से कम एक इंसान को लगाना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक इंसान को लगाना ज़रूरी होता है। अगर डिस्टेंस मेंटेन है तो नहीं भी लगाएंगे फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं जी, इस तरीके जी। क्योंकि मैं बता दूँ दर्शकों को, मैं बता दूं कि देखिए मैं भी मास्क यूज़ करता हूं, लेकिन अभी मैं इंटरव्यू ले रहा हूं इस वजह कर ये मेरे हाथ में मास्क है। मैं बता दूं आपको, एक कमेंट आया है कि आपने मास्क नहीं पहना है, तो ये मैं बता दूं दर्शकों को कि मैं ये पहना था लेकिन जस्ट मैंने अभी उतारा है और उतार कर इस तरह से रखा है। तो ये अच्छी बात है आपने कॉमेंट्स किया, कॉमेंट्स करते रहना चाहिए, इस तरीके से मैं मास्क यूज़ करता हूँ जी। दर्शकों को मैं बता दूं कि आप अपने सवाल को इसी तरह करते रहें, अच्छा लगता है कोई अगर इस तरह कमेंट्स करते हैं तो, चाहे हमारे हक में कमेंट्स हो या हमारे हक में ना हो, तो ये कमेंट्स कीजिए आप, ये आपका हक बनता है। अब मैं तीसरे जो हमारे खसूसी मेहमान हैं डॉक्टर सुजाता, मैं उनसे मुखातिब हो जाऊँगा। डॉक्टर सुजाता आपका बहुत बहुत स्वागत है JKB न्यूज़ में। थैंक यू। आप बताएँ कि ये जो महामारी चल रही है, ये 4 महीने से तकरीबन ये जो महामारी चल रही है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया दे रही हूँ कि हमको यहाँ पे बुलाया और हमारी जो ओपिनियंस हैं उनको दर्शक तक पहुँचाने के लिए बहुत शुक्रिया। ये 4 महीने से जो पैंडेमिक चल रहा है, जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस का, ये आपको हम बता दें कि अब तक इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में 10 लाख तक पीपल अफेक्टेड हो गए हैं जी। और जून में, जून 21st to 27th डेथ रेट था 2800 और इस वीक में, मतलब आज है 19 तारीख, मतलब 11 से 19 तारीख डेथ रेट हो गया है 4125, दैट मींस ऑलमोस्ट डबल हो गया है डेथ रेट। और पूरे इंडिया में अभी जो लास्ट सैटरडे का मैं टैली बोल रही हूँ, लास्ट सैटरडे को 545 डेथ्स हुए हैं जी। लेकिन ऐसा डरने की बात नहीं है, मैं डेथ्स के बारे में खाली नहीं बोल रही हूँ, वो जो 10 लाख में से बहुत सारे 61% लोग रिकवर हुए हैं जी, जी। और ये लोग जो रिकवर हुए हैं, हम लोग इनके प्लाज्मा जो है, इनके जो ब्लड की जो सेरम का जो वाटरी पार्ट है, प्लाज्मा बोलते हैं जी, जी। वो हम लोग अगर कलेक्ट करके रख सकते हैं तो जो दूसरे बीमार लोग हैं उनको देने से कोरोना वायरस की सीवियरिटी बहुत कम हो सकती है। तो हम आपको ये लास्ट 4 मंथ्स का मैं टैली मैंने बताया, तो दर्शक तक ये पहुंचाने के लिए शुक्रिया जी। आप मुझे बताएं, आर प्रेग्नेंट वुमेन सेफ? व्हाट प्रिकॉशंस शुड द टेक? प्रेग्नेंट वुमेन आर नॉट, दे आर आल्सो ससेप्टेबल टू, they are also susceptible to the coronavirus, but they have to take the same precautions. हमारे दर्शक हिंदी वाचे तो जरा हिंदी में ही बात करें। ठीक है ठीक है, माफ कीजिएगा मैं इंग्लिश में सवाल कर दिया आपसे। प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो भी सेफ नहीं है कोरोना वायरस से, उनको वही प्रिकॉशंस या क्या बोलते हैं प्रिकॉशंस लेना चाहिए जो KMC ने बताया है और WHO ने भी बताया है, और उनमें से है हाथ धोना 20 सेकंड के लिए, 20 मिनट बाद बाद हाथ धोना, और सैनिटाइजर यूज करना, मास्क यूज करना, और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना एटलीस्ट 6 फीट का। ये सब हो सकता है, मतलब करने से जो कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन है वो कम हो सकती है। और एक चीज हम लोग ने
स्टडी किया है कि प्रेग्नेंट वुमन से ये प्लासेंटल जो स्प्रेड है वो नहीं होता है, तो बच्चों में ये नहीं जाता है फ्रॉम द प्लासेंटा, तो जो फीटस है वो जो बेबी है वो सेफ है, वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा कोरोना वायरस, ठीक है। तो प्रिकॉशंस जो लेना है वो नॉर्मली लेना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यही प्रेग्नेंट वुमेन, मुझे एक चीज़ बताएं कि बहुत सारे जो लोग डरते हैं इससे, बहुत डरते हैं कि जैसे पॉजिटिव हो गया तो मेरी जान चली जाएगी, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? डरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डरने से आपका डर ही कोरोना वायरस से भी ज्यादा महामारी है जी। तो जो करना चाहिए वो है कोरोना वायरस की जो जो लोग हेल्दी होके बाहर जो लोग ठीक हो जा रहे हैं हाँ, तो उन वो 61% है जैसे मैंने पहले ही बताया है। जी, जी, जी। तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना और हाथ धोना ये सब मेंटेन करना चाहिए, और यही मेंटेन करने से कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो कम होगा, क्योंकि ये जो है कोरोना वायरस स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट स्प्रेड से, जैसे पहले उन्होंने बताया, डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया है, तो ड्रॉपलेट स्प्रेड से स्प्रेड होता है और वो बात करने से या खांसी करने से स्प्रेड होता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग मास्क पहनते हैं, और जो आपको बताएं कि जो ये सोप से हाथ धोना या सैनिटाइजर में जो अल्कोहल रहता है उससे हाथ साफ करना ये जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस का एक आउटर प्रोटीन लेयर, एक इनर प्रोटीन लेयर और आउटर फैट लेयर है, तो सोप में अगर हाथ धोते हैं तो वो लेयर ब्रेक कर जाता है और जो ब्रेक डाउन होने के फल से कोरोना मर जाता है। अच्छा। तो वो सोप में भी होता है और सैनिटाइजर अल्कोहल से भी होता है, और सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से आप अपना रूम या घर सैनिटाइज कर सकते हैं, वो ब्लीचिंग नॉर्मल ब्लीचिंग पाउडर से बन सकता है या तो दुकान में भी खरीद सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, सो इससे सैनिटाइज कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कौन सा ऐसा टैबलेट है, कौन सी ऐसी दवा है, लोग हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो सस्ता हो। देखिए बहुत तरह का दवाएं हैं जो महंगी होती है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा आप बताएं कि मतलब अफोर्ड कर पाए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाला कोई दवा ऐसा अलग से नहीं है हाँ, क्योंकि आप लोग हम लोगों की जो इनहेरेंट इम्यूनिटी होती है वो फूड वगैरह खाने से बढ़ता है, तो ज्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। जो लोग नॉन वेज है वो चिकन फिश खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, जो लोग वेजिटेरियन है वो उनको ग्रीन वेजिटेबल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और फाइबर वाले फूड जो है वो लेना चाहिए, और विटामिन सी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो तो उसमें कोलेकैल्सिफेरॉल जो विटामिन डी है वो लेना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए, संतरा वगैरह जैसे संतरा मौसम्बी ये सब ज्यादा खाना चाहिए, और जो पानी है वो थोड़ा उबाल के अराउंड 50 डिग्री तक उबाल के वो पीने से अच्छा होता है। क्लोज्ड एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहिए, जहाँ वेंटिलेशन हो वहीं पे रहना चाहिए कि बाहर का हवा बाहर अंदर आ सके, अंदर का बाहर जा सके, क्योंकि ये ड्रॉपलेट अगर एयर में स्प्रेड हो होता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वेंटिलेशन ठीक हो हाँ, और अगर कोई केस सस्पेक्टेड केस हो तो वो घर को अच्छी तरह से सैनिटाइज करना चाहिए विद सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। सब अभी ट्रीटमेंट मॉड्यूल चल रहा है, अभी और नया नया बहुत कुछ निकलेगा, अब तो हम लोगों को पेशेंस और धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अगले एक साल में तो कुछ वैक्सीन होने वाला नहीं है, मतलब एक साल बाद ही हो सकेगा, वो ट्रायल फेज में है, फेज वन फेज टू हो गया, फेज थ्री ट्रायल फेज में है और ह्यूमन ट्रायल्स भी करना बाकी है, इसलिए हम लोगों को धैर्य से वेट करना पड़ेगा, और कोरोना के विरुद्ध लड़ने के लिए जो जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुजाता। नाज़रीन दर्शकों को मैं बता दूं कि इस तरह का जो है मैं हमेशा हर संडे को जो है इस तरह से पैनल डिस्कशन रखता हूं, अगर आपका कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगला जो है अगला भी मैं पैनल डिस्कशन रखने वाला हूं अगले संडे को, तो आप लोग सुझाव दें कि किस टॉपिक पे रखा जाए, हमारे टॉपिक तो तैयार रहते हैं लेकिन मैं चाहूँगा कि आप टॉपिक का सुझाव दें और उसी हिसाब से मैं ये पैनल डिस्कशन रखूँगा आप लोगों के लिए, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सेफ रहें, और आप लोग जब बाहर निकलें तो बेज़रूरत बाहर ना निकलें, और अगर आप निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं, मैं भी लगाता हूं, देखिए ये हमारे हाथों में है कि मैं लगाता हूं मास्क। चलिए जेकेबी न्यूज़ को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।